तो अब देखें, आज जो हम पढ़ेंगे वो केस वन पढ़ेंगे हम, और केस टू पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में न्यूटन्स के मोशन को हमने डिस्कस किया था, और अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये केस वन हम स्टडी करेंगे। केस वन में देखें, पहली हेडिंग आपको लगानी है, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हो, ठीक है ना। ये जो साइन होता है इधर इस तरह, ये वर्टिकल का होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल का होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बॉडी इस तरह वर्टिकली मूव कर रही है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरी एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि लिखना कैसे, अभी मैं आप सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपके पास आ गया केस वन, ठीक है ना। ये आपको समझना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखें टेंशन से क्या मुराद है। देखें वो फोर्स जो कि ये देखें, ये एक पूरी आप समझ लें स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको एक फोर्स लगा के ऐसे दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये एक रस्सी समझ लें आप, और इस रस्सी को मैंने एक रस्सी को इधर से पकड़ा हुआ है, एक रस्सी को इधर से पकड़ा हुआ है, और मैं इस तरह करके खींच रहा हूँ उसको। तो जो मैं मतलब खींच रहा हूँ, तो बीच में जो होगी वो टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है ना। जो खींचेगी और बीच में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, वो टेंशन होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं टेंशन होना, कि हमने रस्सी को खींचा और यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हो गई। तो केस वन में आप देखें, केस वन में दोनों बॉडी वर्टिकल है, वर्टिकल होने की वजह से एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है, याद रखें, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा वर्टिकल होने की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखें, इसके अंदर दो फोर्सेस सिर्फ एक्ट हो रही होंगी। ये जो बॉडी है इसके अंदर एक वेट है, इसका डब्ल्यू वेट से शो हो रहा है, और टेंशन, ठीक है ना। तो ये दो बॉडीज मतलब दो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, टेंशन और वेट, ठीक है ना। तो ये केस वन में थी चीज़ें, और अब हम बात करते हैं केस टू में। केस टू क्या चीज़ है भाई, देखें केस टू में, अच्छा मैं पहले बुक दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि केस टू है किधर। देखें केस टू ये है, ये हेडिंग देखें आप पढ़ रहे हैं पहले, व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर बॉडी मूव स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अब देखें, इस बॉडी में जो हॉरिजॉन्टली है तो इसमें कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, देखिए यहाँ वेट होगा, या ये आर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, और ये जो टेंशन। तो यहाँ पर एक दो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर आप देखें तो बेसिकली तीन फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं, लेकिन अब देखें ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बची क्या, एक ही फोर्स बची जो कि टेंशन। और यहाँ देखें दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट आपकी बेसिक अगर स्ट्रांग होगी तो आप एमसीक्यूज भी ईजिली कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वेट और टेंशन, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वर्टिकल में दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और हॉरिजॉन्टल में तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, आफ्टर कैंसिलेशन देर इज ओनली वन फोर्स। अब देखें यहाँ वही लिखा गया है कि जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने M2 बॉडी रखी और वर्टिकल बॉडी में M1 बॉडी रखी, ठीक है, प्लेस किया हमने। अच्छा अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। देखिए जब बॉडी स्मूथ क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मूव कर रही थी, तो इसका फार्मूला एक्सेलरेशन का ये बनता है। एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स में पूछा मतलब दे दिया जाएगा, मास गिवन होंगे तो आपको एक्सेलरेशन बतानी होगी, तो इस फार्मूले से आप एक्सेलरेशन बताएंगे, ठीक है ना। टेंशन देखें, टेंशन का भी ये एक ही मतलब एक ही चीज़ है दोनों का, एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ये है दोनों का। और अगर दोनों बॉडी इस तरह मूव कर रही हैं वर्टिकली, तो देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज हुआ है, टेंशन का फार्मूला में टू यहाँ पर